दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में लेस या कोई अन्य चिप्स तो ज़रूर खाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में लेस को कैसे बनाया जाता है या फिर इसमें बनाते समय क्या मिलाया जाता है? यदि नहीं तो हम किस लिए हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लेस को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इस प्रोसेस को देखकर आप अपने घर पर भी इस चिप्स को बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले फैक्ट्री द्वारा खेतों से आलू को खरीद कर लाया जाता है, फिर इन आलुओं को एक कन्वेयर बेल्ट पर लोड किया जाता है जो आलुओं को स्वचालित छिलने की मशीन तक धकेलता है। फिर इन्हें छिलने के बाद इन्हें ठंडे पानी से धोया जाता है। इसके बाद इन आलुओं को घूमने वाली इंपेलर मशीन में डाला जाता है जो उन्हें कागज़ के जैसे पतले स्लाइसेस में काट देती है और ये टुकड़े एक दूसरे ठंडे पानी के कंटेनर में गिरते हैं जो आलू के कटने के बाद निकलने वाले स्टार्च को निकाल देते हैं। इसके बाद आलू के स्लाइसेस एयर जेट्स के नीचे से गुजरते हैं जो अतिरिक्त पानी को निकालते हैं, यानी स्लाइसेस को सुखा देते हैं। इसके बाद 40 से 75 फीट तेल से भरे कुंडे होते हैं जिनमें से इन चिप्सों को गुजारा जाता है। इन कुंडों में तेल का तापमान 176 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद पेडल स्लाइसेस को धीरे धीरे धक्का देते हैं। इसके बाद एक रिसेप्टिकल्स जो गर्त के ऊपर तैनात होता है निश्चित मात्रा में नमक का छिड़काव करता है। इसके बाद चिप्स को निर्धारित फ्लेवर से गुजारा जाता है। निश्चित फ्लेवर मीन्स टोमेटो, प्याज आदि फ्लेवर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक वायर मेश बेल्ट गर्म चिप्स को बाहर निकालता है। इसके बाद इन्हें ठंडा किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद चिप्स एक पैमाने के साथ एक पैकेजिंग मशीन से गुजरती हैं। इसके बाद इन पर कंपनी का स्टिकर लगाकर और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि चिप्स को कोई नुकसान न हो, और इसके बाद चिप्सों को ट्रकों में लोड करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहतरीन लगी होगी।